पहले एक बार मैं परिचय आप सभी को बता देता हूँ। हंसराज मेरा नाम है, कोटपुतली पाथरेड़ी मेरा गांव है। 8 साल कंप्लीट हो गई राजस्थान पुलिस में, मैं 20 साल रनिंग में, और जिस बिजनेस के माध्यम से आज यहाँ पर पहुँचे हैं उसके अंदर मेरे को 4 साल हो गए हैं काम करते हुए। छोटी सी शुरुआत किया था यहाँ से एक प्रोडक्ट लेकर के, यहाँ से प्रोडक्ट लिया था मैंने, एक डिनर सेट लिया था, 2 सूट लेंथ एक साथ लिया, और जिसके साथ बिजनेस शुरू हुआ, काम करता चला गया। आज 5,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क कंप्लीट कर लिया। इसी बिजनेस के माध्यम से शुरुआत में भरोसा नहीं था कि 1,000 रुपये का चेक भी बनेगा नहीं बनेगा। एक यारी दोस्ती के माध्यम से बिजनेस को शुरू किया था। मेरे मित्र हैं थावड़ा गाँव से, लक्ष्मण चौधरी, उन्होंने मेरे को बिजनेस प्लान चेंज किया था। साथ में धर्माराम चौधरी जी, जो अपने प्रोफेसर के रहने वाले, दोनों राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रहे थे, मेरे साथ ही उन्होंने बिजनेस प्लान लेकर बताया। बिजनेस प्लान अच्छा लगा, अच्छा लगा, स्वाभाविक आदमी को करना चाहिए। मैंने भी डिसीजन लिया कर लिया, लेकिन नौकरी के बाद में कोई भी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती तो आदमी का सपना होता है कि अब दूसरी नौकरी ले, लोगों से बात करते तो पूछते कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आरएस की तैयारी कर रहा था, तो इसी में समझ में नहीं आता है। तो उस वक्त मेरा फॉलोअप हरनारायण जी सर के माध्यम से हुआ। सर ने मेरे को वो बात बताई जिसके माध्यम से मैंने डिसीजन लिया। सर ने कहा कि हंसराज भाई तू आरएस की तैयारी तो कर रहा है और आरएस बढ़ भी जाएगा, लेकिन क्या गारंटी कि आरएस अधिकारी बन जाएगा। मैंने कहा सर गारंटी सुन, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डायमंड की गारंटी है, यदि 4 साल आप काम करते ना तो 4 साल में निश्चित है कि आप यहाँ से डायमंड बन जाओगे। हो सकता है कि 1 साल ज़्यादा लग जाए, लेकिन बनना तय है, ऐसा नहीं कि आप नहीं बनोगे। मैंने कहा सर ऐसा कैसे है? बोला कि ऐसा इसलिए वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भर्ती निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन ये सरकार के ऊपर नहीं, आप खुद की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बात मेरे अच्छे थे। फिर मैंने डिसीजन लिया और आज उसको एक प्रोडक्ट की बदौलत मैंने यहाँ से जहाँ 1,000 का भरोसा नहीं था, 7 दिन की इनकम कमाई 2,58,400। शुरुआत में भरोसा किसी को नहीं होता है। शुरुआत में ज्वाइनिंग करने के बाद में मैंने मेरे साथियों को काम दिया, जितने भी मेरे मित्र मंडली थे, अरे बोला कि कुछ नहीं होता है, मना किया सब ने। मैंने मेरे परिवार को, छोटे भाई को भी मैंने बोला, तो बोला कि भाई साहब आप कर लो, बाकी मेरे से तो होगा नहीं होगा जल्दी से, और अपने आप को कर भी नहीं रहा। ऐसे डायमंड नहीं बनते, पहले बहुत सारी कंपनी आई, ट्यूलिप वगैरह कई सारी कंपनी का नाम बताया, सबसे ज़्यादा ट्यूलिप का चला। बोला उसके अंदर देखो यहाँ पर डायमंड नहीं बने थे, कुछ नहीं हुआ नहीं पाए सब कुछ, मैं ऐसा नहीं है यहाँ पर। उस वक्त 18 साल संस्था हो गई थी, जब 18 सालों से काम कर रही है, जब ट्यूलिप थी तभी भी काम कर रही थी, ट्यूलिप नहीं थी तभी भी काम कर रही है, आगे भी काम करती रही। इस 4 साल के दौरान बहुत सारे लोग मिले कि बोला जब शायद नहीं चल पाएगी, मेरे को लगा था शायद नहीं चल पाएगी, लेकिन करने लग गया। आज यहाँ तक आज भी काफ़ी लोगों को लगता है कि अब चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारी कंपनियाँ जा चुकी हैं इसलिए लगता है, लेकिन करते चलेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। टीम के अंदर ढेर सारे लोग हैं जो लाखों रुपये की इनकम ले, आज अकेला मैं नहीं कमा रहा हूँ इस बिजनेस के माध्यम से, जहाँ सोच नहीं सकता था कितनी महंगी गाड़ियाँ मेंटेन कर सकूँ, क्योंकि 26,460 रुपये के लगभग मेरी तनख्वाह दी थी। अब उस सैलरी से इतनी बड़ी गाड़ी के बारे में कौन सोचता है, नहीं सोच सकते। फिर लोन ले रखा था कि घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 छोटे भाई हैं, 1 बहन है, 4 भाड़ एक शादी थी, तो कर्जा हो ही जाता है। मैंने बैंक से लोन लिया था 6,60,000 का, जो किसी भी स्कोर में आपको मैं दिखा दे सकता हूँ। फिर उसके बाद में प्लान मिल गया, लोगों से पैसा हो ले रखा था, 15 लाख मैंने उधार, तो 1,40,000 का मैंने योजना से और लोन लिया, और उस लोन से मैंने बिजनेस को किया था शुरू। लेकिन आज अब लोन लेने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस के माध्यम से 2 महीने बाइक लिया, 1 स्कूटर लिया, और आज गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ किया समय, और इसी साल एक गाड़ी और लेने वाले हैं इसी बिजनेस के माध्यम से। छोटा भाई भी तो पास गिर गया, जिनका 2,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क हो चुका है। आज दोनों भाई सफल हैं, शुरुआत में मना किया लोगों ने, बाद में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज कुछ लोग हैं जो कि पिलर बन के यहाँ पर काम कर रहे हैं, बाकी आपके साथ जुड़ेंगे बहुत लोग,
कोई दो चार लोगों की टीम बनाए, कोई 50 की टीम बनाएगा, छोड़ देंगे, लेकिन जो लगातार चलेगा उसके साथ में कारोबार बनता चला जाएगा। कोई भी बिजनेस तो आता है, कोई भी काम धंधा होता है, लोग शुरुआत में विरोध करते हैं, चाहे पहली बार कंप्यूटर आया, हवाई जहाज इसलिए बनाया, हर चीज़ का विरोध हुआ है। टॉयलेट का शुरुआत में विरोध हुआ, आज गवर्नमेंट की एक में बात, कोई सरकार की कोई योजना आती, लोग विरोध करते ही नहीं करते, कोई भी सरकार हो चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये सरकार विरोध नहीं करती, जो भी दूसरी विपक्ष में सरकार होती है विरोध करेगी, करेगी। तो आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर भी लोग हो सकता है कि आपका विरोध करेंगे, लेकिन लगातार चलते रहेंगे तो उस मंजिल को पाएंगे। जब पिछली बार आया था, अभी तीसरी बार आया, फर्स्ट बार आया था तो सुरेश जी की ज्वाइनिंग हुई, उसी टाइम आई थी सुरेश जी, और आज सर ने लगभग 30-35 लोगों का नेटवर्क हो गया, ज्यादा हो गया, 45 के आसपास इनका नेटवर्क हो चुका। जो मुझे शुरुआत में एक एक ज्वाइनिंग का पता था कि एक ज्वाइनिंग कहाँ से आ रही है, ये बिजनेस कोरोना की तरह है, शुरुआत में एक आदमी को कोरोना हुआ पता चल गया कि फला गांव का रहने वाला है, वो आदमी उसको बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाना, जिससे संपर्क में मत आना, ऐसा ही था, ऐसा ही था। फिर दो आदमी को हो गया, दो को बंदिस बना दिया, तीन भी हो गए, चार हो गए, लास्ट में आके क्या हुआ, बोला कि अब काबू में नहीं आएगा, अब सबके कोरोना हो गया, ऐसा था कि नहीं था, सही बात ही है। यहाँ पर भी ऐसा ही था शुरुआत के अंदर, जैसे सुरेश जी ने ज्वाइनिंग किया तो बोला सुरेश जी तो कंपनी में फंस गए, उनके पास मत जाओ, उनसे संपर्क मत करो, शुरुआत के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन आज टीम बनने से चलेगी। पहली रैंक इन्होंने कंप्लीट की, दूसरी रैंक इनकी फिर होने वाली है, अलग अलग धीरे धीरे करके यहाँ से आगे रैंक होंगी, लेवल चेंज होगा, अब इनकी टीम के अंदर ब्रॉन्ज बनने वाले हैं। तो ऐसे आपके साथ में भी हुआ, ऐसे मेरे साथ में भी हुआ, जब मैंने ज्वाइनिंग किया तो उस वक्त मैं आज हरनैन जी सर को देख देख के आगे बढ़ रहा हूँ, उनके 2500 की टीम थी, एमराल्ड लेवल पे थे और मैं फ्रेशर था, सर के 1.5 लाख रुपये महीने का कमा रहे थे, क्रेटा गाड़ी थी, सोचा कि जब ये बंदा कर सकता है तो सर तुम के लिए कर सकता, मैं वहां तो पहुंच गया हूँ, लेकिन अब देखता हूँ वो कहाँ है। आज देखते तो आज OTQ5 गाड़ी मेंटेन कर रहे, इस बिजनेस के माध्यम से 1.25 करोड़ का साल का कमा रहे, तो उस आदमी की नकल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। ऐसे सफल आदमी की नकल करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। और देखो जमाने के अनुसार बदलना जरूरी है, अभी नौकरी कितने लोग कर रहे हैं, हाथ खड़ा करेंगे नौकरी वाले, लगभग 60% नौकरी है भाई, यहाँ पर रिटायरमेंट भी तो सरकारी नौकरी है। आज देखो नौकरी का वो जमाना नहीं रहा है जितना हम सोचते हैं, वो सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दाल रोटी का जुगाड़ चल सकता है, यदि बड़े सपने हैं, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान बंगला हो, आपकी पसंद का जिस सिटी में बनाना चाहते हो उस सिटी में, और आपकी डिजाइन जो आपने इंजीनियर से बनवाई है उस आधार पर सब कुछ लगा सको, बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ाना है, तो फिर नौकरी से पॉसिबल नहीं है। फिर नौकरी होगी तो वो एक ग्रेड की नौकरी, जहां पर शुरुआत के अंदर आपने यदि RAS IAS बन गए वहां पर, तो वो भी लेकिन आखिर उनको डांट सुननी ही पड़ेगी, नौकरी का मतलब ना नहीं कर सकते। आप सुना होगा कि IAS को भी फांसी खाते हैं, टेंशन क्यों हुआ, पड़ताल किया जाता है, प्रेशर आता है, प्रेशर में आदमी क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, सोचता है कि छोड़ो यार इसके बाद, घर नहीं जाए तो घर वालों, क्योंकि दोनों लोग लोभी नौकरी करते हैं, पद पे पहुंच जाता तो फिर शादी उसी से करेंगे, तो दोनों नौकरी करेंगे, दोनों परेशान रहते हैं, फिर उस पैसे का क्या फायदा। आज इस बिजनेस के अंदर अकेला आदमी काम करके भी बहुत बड़ा बन सकता है, उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां सोच नहीं सकते। मेरी मिसेज जी, उसने भी ग्रेजुएट है कंप्लीट कर रखा है, लेकिन मैंने कहा कि आप घर को संभालिए, मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, छोटे भाई को बिजनेस कराया तो उसकी मिसेज भी अच्छी पढ़ी लिखी है, उनको कहा कि आप घर को संभालिए कि दिक्कत नहीं, हम बिजनेस कर लें, तो एक आदमी अच्छा प्रयास कर सकता है। दूसरे को नौकरी क्यों करवाते हैं, खर्चा चल नहीं पाता इसलिए करवाते हैं, ऐसा है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अकेले भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो शक्ति है, बस अपने आप को पहचानने की बारी है, यदि अपने आप को पहचान लिया तो बहुत बड़ा हो सकता है। प्रेरणा के लिए सीख सकते हैं, निक यूजली एक वो इंसान है जिसके बारे में आपने सुना होगा, दोनों पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, वो इंसान भी मतलब तैरना जानता है, फुटबॉल खेलना जानता है, उससे फुटबॉल में जीत नहीं सकते, तैराकी उससे आगे निकल नहीं सकते, बताओ वो आगे। शुरुआत के अंदर उसने
मृत्यु के लिए अप्लाई किया था कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, लेकिन मना कर दिया वहाँ की सरकार ने, क्योंकि उसका दिमाग सही काम कर रहा था। और आज वो दिल्ली की टॉप फॉर्म हीरो के लिए उसका नाम है, मोटिवेट करता है आगे। तो हम भी बन सकते हैं, हमारे हाथ पाँव से ही सलामत है। ऐसे शानदार बिजनेस मिल चुका है, मैं कहूँगा ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, कितना बेहतरीन बिजनेस दिया, और वो भी अपने काम धंधे के साथ। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुकान चला रहे तो दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं, खेती का काम कर रहे तो खेती के काम को करते रहना है, जो भी काम धंधा कर रहे हैं अपने परिवार के साथ साथ उस बिजनेस को करना है। लेकिन जो टाइम समय मिल रहा है उसका सदुपयोग सही करना है, उसका सही सदुपयोग सही करेंगे तो जरूर है किसी काम को पालना। स्कूल के आने के बाद में फ्री रहते हैं प्लान कर सकते हैं, रोज के दो लोगों को भी प्लान देंगे तो बहुत बड़ा काम। दुकान के साथ साथ जितने कस्टमर्स ग्राहक आते हैं उनको प्लान दो, रिलेशन रिश्तेदार लोगों को बताओ, जैसे मैंने बताया तो शुरुआत माना कि आज काम कर रहे हैं, मेरा भांजा भी पार लेवल पे है, ताऊ जी का लड़का भी गोल्ड लेवल पे है, जो आर्मी को डाटा ने बोला कि ये काम करने लायक नहीं है, मना कर दो इसको, लेकिन मैं नहीं रुका, आज वो खुद काम कर रहा है। दूसरे ताऊ जी का वो भी आर्मी के अंदर है, वो प्लेटिनम लेवल पे है, एक भतीजी है वो सिल्वर लेवल पे है, सब लोग काम कर रहे हैं आज, वो आपके साथ भी होगा। फिर मैं मेरे सीनियर से सीखता हूँ, धर्माराम सर की बात करूँ तो आज खुद डायमंड है, उनके भुआ जी के हीराराम जी जो कि प्रिंसिपल होते हुए गवर्नमेंट स्कूल में आज डायमंड है इस बिजनेस के अंदर भी। उनका सगा भाई ई एस आई हॉस्पिटल अलवर के अंदर सीनियर नर्सिंग स्टाफ से है, वो डायमंड बनने वाले हैं, मेरे ब्रोकर लेवल पे रोमी लेवल पे है राजू जी, आज काम कर रहे हैं राजू जी की मैसेज अभी नौकरी करने के साथ साथ आज वो भी लेवल पे है। उनके सगे जीजा धर्मवीर जी वो अंडर लेवल पे हैं, चैनाराम जी उनके परिवार से धर्माराम जी के ताऊ जी के लड़के हैं जो आज पर लेवल पे हैं। एक परिवार से 10 लोग टाइम बन रहे हैं, जिनमें 2 बन चुके हैं, 8 लोग अभी लगभग 1-2 साल के अंदर कम्प्लीट कर लेंगे। और सोचो इन परिवार में कितना पैसा जा रहा है, बाकी नौकरी के अंदर क्या सेट कर सकते हैं आप बताओ, बाबूजी आपने सेट कर दिया परिवार नहीं लगा सकते, वो खुद मेहनत करेंगे तो लगेंगे, सही गलत है, मैं तो बाकी नहीं लग पाएंगे। सोचें कि आपकी काबिलियत से बच्चे लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है उनमें काबिलियत होगी तो नौकरी लग पाएंगे, नहीं होगी तभी, लेकिन इस बिजनेस में उनको सेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज मान लो लाखों का नेटवर्क बना दिया तो उसके बाद में नेटवर्क ट्रांसफर कर लो, वो बैठे हुए में तो पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा उस कंडीशन में जब अच्छा नेटवर्क होगा, तो अच्छा नेटवर्क नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि आज जुड़े कल से पैसा चलो बिना काम करे, ऐसा नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आज मैं मेरा कहूँ तो हो सकता है कि मैं काम नहीं करूँ तो भी पैसा आ सकता है, लेकिन आपके साथ में ऐसा भी नहीं होगा, एक समय बाद नहीं होगा, आज नहीं होगा, और उस दिन तक काम करना है जब बिना काम करे भी पैसे आने लगे। जब मैं मेहनत कर रहा था तब बहुत बार चेक नहीं बनता था, एक बात ऐसा 13-14 सप्ते तक चेक नहीं बना, फिर भी मैं काम करता रहा, फिर भी काम करता रहा, जिसकी वजह से आज काम नहीं कर रहा तो भी पैसा आ रहा है। आज वो काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो पहले करता, प्लान देने का काम ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता, ब्रेक का खाना वहां मीटिंग किया आज यहाँ पर, कल गाजबेर में प्रोग्राम है अभी जो कि हमारे हेड बोले लक्ष्मण जी सर की, जो मेरे साथ ही इन्होंने ज्वाइनिंग करा के डायमंड बन चुके हैं, जिनके 11 भाइयों को डायमंड सेलिब्रेशन है, उनकी फिल्म तैयार हो रही है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया था, उनकी पूरी जीवनी के ऊपर बन रही है वो, तो आप भी बना सकते हैं कि आपकी जीवनी लिखी जाए, लोग देखें, एग्जाम्पल दें, लोगों को दिखाएं कि